आपको बता दें कि देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनेंगी द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू को 577,777 वोट मिले और इसी के साथ द्रौपदी मुर्मू ने जीत दर्ज की है। तो काफी उत्साह देखा जा रहा है, हर जगह की तस्वीरें सामने आई थी जीत को लेकर, जश्न मनाया जा रहा है। तीसरे राउंड में द्रौपदी मुर्मू ने जीत दर्ज की है। तो राष्ट्रपति चुनाव जीत गए द्रौपदी मुर्मू, उनके पैतृक आवास में क्या उत्साह देखा जा रहा है, कैसा माहौल देखा जा रहा है, आइए वहां की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये ओडिशा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव द्रौपदी मुर्मू जीत गए हैं और वहां पे भी काफी उत्साह देखा गया। इसका जय चलिए हमारे संवाददाता मनोज ने। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान हो चुका है, यानी ये भारत की पहली ट्राइबल महिला है जो देश की राष्ट्रपति बनी है। एक बार मेरे पीछे का जो नजारा है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए लोगों में जश्न और जश्न ऐसा कि ढोल नगाड़े के साथ लोग जश्न मना रहे हैं। एक बार द्रौपदी मुर्मू जी जो महारहित है उनके पोस्टर को लेकर लोग जो है वो नाचते गाते और झूमते उनके घर के बाहर आ रहे थे। ये नज़ारा जीत का जश्न जो है वो उनके आवास में मनाया जा रहा है। उड़ीसा के रायरंगपुर स्थित जो आवास है यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है, जिसको लेकर लोगों में जो उत्साह है वो देखने लायक है। जी हम बहुत खुश हैं। जो द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बन गई उसके बाद आप लोग क्या क्या नया करेंगे? हाँ, हमारे जो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स आज तक नहीं हुआ था वो सब में काम करेंगे और जो नीडी पीपुल है उनको जो भी मतलब हेल्प की जरूरत है जो अभी तक नहीं हो पा रहा था तो अभी वो हो जाएगा, हम लोगों का विश्वास है और उस हिसाब से हम लोग बहुत खुश हैं। जस्ट जो खुशी है वो देखने लायक है। महामहिम के ऐलान के बाद अब गांव में जो जश्न का माहौल है वो आप समझिए। एक बार देखिए कि जो आदिवासी ट्रेडिशनल जो ड्रेस है उस ड्रेस में महिलाएं नाचते गाते झूमते और साथ साथ ये उनके घर के बाहर का ये नजारा है कि लोगों में जो खुशी है वाकई ये खुश होने का वक्त भी है कि दीपावली कहें होली कहें यानी तमाम त्यौहार जिस त्यौहार का लोग करते हैं कि जश्न मनाते हैं वो यहाँ पर नजारा देखने को मिल रहा है। दिल्ली से खबर, राष्ट्रपति चुनाव जीत गए हैं द्रौपदी मुर्मू। तीसरे राउंड में द्रौपदी मुर्मू ने जीत दर्ज की है। देश की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं द्रौपदी मुर्मू। वहीं देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनेंगी द्रौपदी मुर्मू। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू को 577,777 वोट मिले हैं और राष्ट्रपति आपको बता दें कि 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। और श्री सिन्हा को मिले हैं 521 वोट जिनकी वैल्यू है 71,186। इस तरह से अब तक का जो कुल टोटल बनता है 3,219 वैलिड वोट्स जिनकी वैल्यू है 8,38,839। श्रीमती मुर्मू जी को मिले हैं इसमें 2,161 वोट जिनकी वैल्यू है 577,777 और सिन्हा जी को मिले हैं 1,058 वोट जिनकी वैल्यू है 261,062। यू कैन कैलकुलेट योरसेल्फ।